तो आज हम करने वाले हैं ऑफिस का टूर। जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि 2021, 22 और 23 में जो है हमने ऑफिस का टूर किया था, तो अब है 2024। तो 2024 में हमारे ऑफिस में क्या क्या अपग्रेडेशन हुई हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो आपको हर साल देखने को मिलेगी। हर साल हम जो है जो अपग्रेडेशन करेंगे वो हम कंप्लीट जो है ऑफिस की जो है वीडियो बनाया करेंगे। तो 2023 में नहीं बनाए, इसलिए 2024 में बहुत कुछ अपग्रेड किया है, बहुत कुछ आपको इसमें नया देखने को मिलने वाला है। तो ये रही हमारे ऑफिस की एंट्रेंस, जो कि कुछ इस तरह से नजर आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो रहम टीवी और दीप टेक्नोलॉजी लैब का यहाँ बैनर लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम इंटर होंगे तो यहाँ पे आपको एक वाईफाई देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे मेरे पास कार्ड है जो कि NFC कार्ड, यहाँ पे मैंने बनाए थे पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो ये अभी के लिए डोर आप देख सकते हो लॉक है। ओपन करने के लिए यहाँ पे आपने सिर्फ स्वाइप करना है और यहाँ पे हमारा डोर जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम अपने ऑफिस में इंटर होते हैं तो यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा जो सर्कल लगा हुआ है जो कि काम करता है NFC के जरिए। यहाँ पे कार्ड है हमारे पास, कार्ड जैसे इंटर कर तो यहाँ पे लॉक ओपन हो जाता है और फिर से वापस से लॉक लग जाता है। तो ये एक बार मैं आपको सिंपल सा घुमा के दिखा देता हूँ कि अभी के लिए क्या है, फिर मैं आपको चीज़ों जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑफिस हैं, ये वाला जो ऑफिस है वो है अदीब टेक्नोलॉजी लैब वाला और दूसरा ऑफिस है रहम टीवी वाला। रहम टीवी वाला ऑफिस अलग है, वो भी इसी तरह का एक ऑफिस है लेकिन उसका काम सारा अलग है और वो ऑफिस भी पूरा अलग ही है। तो उसकी वीडियो मैंने जैसे पिछले 2023 में या समझ लो 2022 वाले टूर में दिखाई थी, इसी तरह वो उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब वो थोड़ा सा और सेट हम कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस साइड से, हमारे डोर की तरफ से। डोर से इंटर होते ही यहाँ पे इसके साथ आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्टर देखने को मिलता है जो कि पिछली वीडियोस में नहीं था। इसमें यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा लिया है हमने। प्रोजेक्टर की अगर आप स्क्रीन देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, पूरी जो जितनी भी दीवार है उतनी बड़ी हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन लग गई है। और प्रोजेक्टर के साथ साथ यहाँ पे नीचे हमारे पास जो है हमारा यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है कि अगर आपको वाईफाई चाहिए हो तो आप इसको स्कैन करोगे, आपके पास ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये वाईफाई जो है मैंने खुद से बनाया हुआ है इस जो है टीपी लिंक के जरिए, और इस टीपी लिंक का वाईफाई आप जो है जब चाहो यहाँ से स्कैन करके यूज कर सकते हो। कंप्यूटर टेबल है जो कि किस तरह से बनाया था और कितने में पड़ा है ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे इसमें एक हमने डोर लगाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास कुछ गैजेट्स पड़े हुए हैं जो कि डेली रूटीन में काम आते हैं। उसके साथ यहाँ पे हमारी एक LCD खराब थी, वो रिप्लेस की है और यहाँ पे 3 LCDs लगी हुई हैं। LCDs के साथ यहाँ पे पड़ा क्या है, हमारे पास पावर बैंक पड़ा हुआ है जो कि किस तरह से बनाना है ये भी वीडियो पड़ी हुई है, आपको मिल जाएगी चैनल पे। उसके साथ हमारा पेन है, कस्टमाइज पेन जो नाम लिखवाते हैं। उसके पास हमारे पास कीबोर्ड पड़ा हुआ है, ये है गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड का एक दो बटन ख़राब हो गया है तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। बहुत जल्द यहाँ पे गेमिंग कीबोर्ड भी दोबारा से नया लेके आने वाला हूँ। ये गेमिंग माउस है हमारे पास, गेमिंग माउस के साथ यहाँ पे न्यू फ़ोन है जो आप लोगों ने देखा होगा, न्यू फ़ोन। अच्छा, फ़ोन के साथ एक और चीज़ आप लोगों को दिखाई थी वो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ जो न्यू यूज़र हैं। क्या है कि यहाँ पर फ़ोन से मैं अपनी जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पर देखना, लाइट ऑफ, और ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा लाइट ऑन, तो इससे मैं सारे जो है ऑफिस को जो है कंट्रोल कर सकता हूं। उसके साथ हमारा यहां पे फोन पड़ा हुआ है, न्यू फोन लिया था, ये मेड इन पाकिस्तान है और इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत कमाल की है। यहां पे ये कम से कम 10 से 15 दिन जो है बैटरी बैकअप देता है। उसके साथ लेटर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। उसके साथ यहाँ पे एयरबड पड़े हुए हैं जो कि मैंने बहुत सारे ऑर्डर किए थे और इन सब के जो है अनबॉक्सिंग की थी। और यहाँ पे और क्या क्या है हमारे पास, हमारा जो मेन सेटअप है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो नीचे हमारे पास एक स्पीकर पड़े हुए हैं जो कि खुद से बनाए हुए हैं, और उसके साथ यहाँ पे एक स्टैंड पड़ा हुआ है जो कि DSLR का स्टैंड है जो कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या लाइव आने के लिए यहाँ पे स्टैंड को, कैमरे को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। उसके साथ हमारी जो है रिंग लाइट पड़ी हुई है, रिंग लाइट के साथ एक और पोर्शन बनाया है यहाँ पे
जो डेली रूटीन में चीज़ें यूज होती हैं और जो सामने नज़र आती रहें ताकि गुम ना हो, क्योंकि मैं चीज़ें रख के भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने इस बार जो है सामने जो है चीज़ें रखने के लिए एक छोटी सी ड्रॉ सी बनाई हुई है। उसके साथ अगर हम इस साइड पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोन स्टैंड है, हेडफोन पड़े हुए हैं और यहाँ पे माइक है, इसकी अनबॉक्सिंग की हुई है मैंने, किट पूरी जो स्टूडियो किट होती है। और उसके साथ ऊपर जो है हमने इस बार सोशल मीडिया के जो है आइकॉन्स लगा दिए हैं जो कि अच्छे लगते हैं, कलरफुल निकलवाएं। इस बार पिछली बार आप लोगों ने पिछले ऑफिस में देखा था कि यहाँ पे फोटोज लगी हुई थी, वो भी ब्लैक एंड वाइट में। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे आज यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज जो है स्टैम्प है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी स्टैम्प्स हैं जो मैंने अपने ऑफिस की बनाई हुई हैं। उसके साथ यहाँ पे एक हमारे पास बकेट पड़ी हुई है जो कि ऑनलाइन ऑर्डर की थी, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके साथ हमारे पास शील्डें पड़ी हुई हैं जो कि यूनिवर्सिटी से मिली हैं और वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक यहाँ पे और चीज़ ऐड की है वाईफाई के लिए, अगर किसी को वाईफाई चाहिए होता, मेन वाईफाई देने की बजाय मैं इसका वाईफाई बना के वो यहाँ पे यूज़र को दे देता हूँ। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे बोतल पड़ी हुई है, स्टैंड पड़ा हुआ है गोरिल्ला। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे नीचे जो कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा था सिस्टम, वो लास्ट टाइम जो मैंने आरजीबी वाला बॉक्स बनाया था बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे, तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि उसको नीचे लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे हमारा जो है सिस्टम लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड और सारा कुछ यहाँ पे नीचे ही है सर। और उसके साथ हमारी हार्ड डिस्क और डीवीडी और सारा कुछ यहाँ पे नीचे है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आप देखते जाओ, यहाँ पे टच सेंसर लगाया हुआ है, आपने क्या करना है सिर्फ आगे से हाथ को गुजारना है और आपका जो है सिस्टम ऑन हो जाएगा, और दोबारा से गुजारोगे तो ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ इसके साइड पे आरजीबी लाइट्स लगी हुई हैं, ये किसी वजह से बंद हो गई है, इनको सेट करने वाला हूँ। और यहाँ पे चारों साइडों पे आरजीबी लाइट्स हैं तो ये अभी के लिए बंद पड़ी हुई हैं। उसके साथ अगर इस साइड पे आए तो ऊपर जो है हमारा बैनर लग गया, बैनर के साथ यहाँ पे एक बाथरूम की जगह है। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो अलमारी है, एक साइड पे हमारे यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं और एक साइड पे हमारे पास जो है गैजेट्स के बॉक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे बॉक्स हैं इसमें। और इसी तरह फ्रंट पे हमारे पास हार्डवेयर लैब है और यहाँ पे एक सेंसर था जो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है कि जैसे ही आप यहाँ से गुजरोगे बाथरूम की जो है लाइट्स ऑन हो जाती है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गई, यहाँ पे छोटा सा सेंसर है, जैसे इसके आगे दोबारा से गुजरोगे तो ये लाइट्स ऑफ कर देता है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। और ये है हमारी हार्डवेयर लैब जो कि फ़ोन से कंट्रोल होती है, लाइट वगैरह ऑन करनी हो तो फ़ोन से ही होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे बाकी कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हैं जो ख़राब हैं। और उसके साथ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो सारे गैजेट्स के यहाँ पे बॉक्स हैं और इनमें गैजेट्स अभी पड़े भी हुए हैं, जो यूज़ नहीं होते वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और इसी तरह फिर इस साइड पे आए, यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि GTA 5 मैंने डाउनलोड करनी थी तब बनाया था, जो कि बिल्कुल मोबाइल के जितनी बिजली लेता है और इसका कीबोर्ड माउस जो है मोबाइल से कंट्रोल होता है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक हार्डवेयर यहाँ पे मदरबोर्ड लगाया हुआ है जो उनको समझाने के लिए फिजिकली चीज़ें दिखाने के लिए लगा हुआ है। और इस साइड पे क्लासरूम है, क्लासरूम में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंटर पड़ा हुआ है जो कि इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह मैंने आपको दिखाई हुई है। उसके साथ सिस्टम पड़ा हुआ है गेमिंग Z400, इसकी भी अनबॉक्सिंग और सारी डिटेल की वीडियो बनी हुई है। उसके साथ यहाँ पे एक पीसी के ऊपर हमारे यहाँ पे तीन सिस्टम कंट्रोल हो रहे हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, इसकी वीडियो भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उसके साथ मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है जो कि सबसे पहला लैपटॉप जब मैंने काम सारा स्टार्ट किया था इस लैपटॉप से किया था। इस टाइम ये सिर्फ ऑन होता है और 10 मिनट के लिए चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, इसका ग्राफिक कार्ड जो है कमज़ोर हो चुका है, तो ये अभी तक मैंने सेल नहीं किया, ये पड़ा हुआ है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप देख सको तो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जो कि मेन राउटर से एक तार आती है और बाकी तारें यहाँ से अलग अलग जो है कंप्यूटर्स को दी हुई हैं, कुछ यहाँ पे प्रिंटर को दी हैं, कुछ लैपटॉप के लिए तार रखी हुई है, कुछ अपने सिस्टम को लगाई हुई हैं और कुछ यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं उन पे भी हैं। तो ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और इसी तरह ये वाला कैम जो है ये क्लासरूम को कवर करता है। और एक फिर इस साइड पे कैम लगा हुआ है, ये जो है यहाँ पे स्टूडियो को और डोर को जो है कवर करता है। और उसके साथ यहाँ पे और हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये बड़ी सारी स्क्रीन है जो कि दिखा चुका हूँ,
और यहाँ पे मेरे पास हेलमेट है, हेलमेट भी यहाँ पे अपग्रेड किया था मैंने। जैसे इसमें यहाँ पे फिंगर लगाओ तो यहाँ पे ये जो है लाइट इसकी चल जाती है, और इसके अंदर हेडफोन वगैरह हैं, वो सारा कुछ जो है मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर सारा कुछ दिखाया हुआ है। उसके साथ यहाँ पे जो है कैमरे का स्टैंड पड़ा हुआ है, या दूसरा इसको दूसरा स्टैंड भी बना लेता हूँ। इसके ऊपर अगर अनबॉक्सिंग वगैरह करनी हो तो इसके ऊपर चीज़ें जो है रख सकते हैं। और इसमें लाइट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, फेस लाइट्स ये कह सकते हो, या जो भी आप वीडियो जब शूट करते हो तो उसके लिए मैंने जो है खुद से जुगाड़ लगाए, तो ये कुछ लाइट्स बनाई हुई हैं। इनकी लाइट बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वो सर्किट है जो मोबाइल से जो है चीज़ों को कंट्रोल करता है, पूरे घर ऑफिस की जो है बिजली को। और इस साइड पे कैमरा है, और क्लॉक जो है पहले दूसरी साइड पे था, उतार के इस साइड पे कर दिया। उसके साथ यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, जो कि जब लाइट बिल्कुल चली जाती है, यहाँ पे लाइट बिजली चली जाती है, तो फिर ये सोलर प्लेट पे लगी हुई है। एक सोलर प्लेट है और एक बैटरी पड़ी हुई है, जो कि एक दो घर में और भी लाइटें लगी हैं, जो कि 2-3 घंटे के लिए आसानी से चल जाती हैं। ये 12 वोल्ट वाली छोटी लाइट जो बाइक पे लगती होती है। उसके साथ ये घर का जो है डोर है, अगर घर जाना हो तो यहाँ से इंटरेस्ट है। और उसके साथ एक यहाँ पे बकेट और लगी हुई है, जिसके अंदर आप चीज़ें वगैरह मैंने रखी हुई हैं। और उसके साथ है यहाँ पे मिरर है, ये मिरर मैंने आपको दिखाया था किस तरह से बनाया था। इसमें जिस पे क्लिक करोगे उसी कलर की यहाँ पे लाइट जलती हैं। ये टच सेंसर है, घर में खुद से बनाया हुआ है, इसकी वीडियो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके साथ एक और मज़े की चीज़ इसमें ये बनाई है कि यहाँ पे एक कंप्यूटर टेबल है, लैपटॉप के लिए, सॉरी ये कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये लैपटॉप के लिए है। जो स्टूडेंट अपने लैपटॉप लेके आते हैं, इसको मैं खोलता हूँ, देखना ये फोल्डिंग टेबल है। मैं सिंपल इसको इस तरह से करूँगा और ये इस तरह से आ जाएगा, और इसी तरह से उठा के ये बंद हो जाता है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे सोफा कम बेड है, अगर नीचे बैठना चाहे लेटना चाहे कोई तो वो यहाँ पे बैठ लेट सकता है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के साथ यहाँ पे सीढ़ी पड़ी हुई है। सीढ़ी किस चीज की है, यहाँ पे बेड बनाया हुआ है आप देख सकते हो ऊपर, और यहीं पर ही सो जाता हूँ, और यहीं पे सीढ़ी को इधर करके ऊपर चढ़ जाते हैं, और जब जरूरत ना हो साइड पे कर देते हैं ताकि ये रास्ते में पड़ी ना रहे। जगह कम थी तो इसीलिए चीजों को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है। तो एक बार फिर मैं आपको सारा घुमा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे एक ब्लोअर भी पड़ा हुआ है, ब्लोअर हर टाइम यहाँ पड़ा रहता है सफाई के लिए, यहाँ पे मट्टी बहुत आती है। और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रिल मशीन पड़ी हुई है, और यहाँ पे एक बार मैं आपको घुमा के दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ हमारा ऑफिस, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड भी की गई हैं, वो आप लोगों ने देखी होंगी। और इसी तरह से जो अगले साल जो भी चीज़ें अपग्रेड करूँगा वो दिखाऊंगा, और इसमें और क्या क्या चेंजिंग लाऊंगा वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और जाते जाते आपको टिप देता जाऊँ कि ये सारा कुछ जो है पर्सनल, जो पेमेंट से नहीं आया, ये सारा कुछ यूट्यूब से आया है। आप लोग भी अगर YouTube सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन कोर्स जो है मैं सिखा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास देता हूँ। मैंने दूसरों की तरह जो है ऑनलाइन जो कोर्स बना के नहीं रखा हुआ, मैं फिजिकली आके वहाँ पे ऑनलाइन में क्लास देता हूँ, तो आप भी सीख सकते हो। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हो। तो बाकी जाते जाते आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि ये सारा कुछ आप खुद भी बना सकते हो अपने लिए, और मैंने भी ये खुद बनाया है। किस तरह बनाया है, पिछले 5 सालों में लगा हुआ हूँ और आप लोगों के सामने ये सारा कुछ। अगर आप लोग स्टार्ट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हो, आप YouTube स्टार्ट कर सकते हो, आप ऐप बना सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट्स वगैरह बना के उन पे काम स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे काम है, अगर आपको एक नहीं आता तो आप और कर सकते हो, लेकिन जब तक कुछ ना कुछ करोगे नहीं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं आपको यही कहूँगा कि मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखने के बजाय ना आप कुछ ना कुछ सीखो। मैं स्टार्ट से बहुत कुछ सीख रहा हूँ और अभी तक सीख रहा हूँ, क्योंकि इतना कुछ है सीखने को कि आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। मुझे खुद मूवीज़ देखे हुए काफ़ी अर्सा हुआ हुआ है, तो मूवीज़ पे या वेब सीरीज़ पे टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि आप कोई ट्यूटोरियल देखो जिसमें कोई ना कोई चीज़ सिखा रहा हो, और फिर उसको खुद घर में ट्राई करो। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसमें कौन सी चीज़ खास थी या कौन सी पार्ट आपको पसंद आया ज़्यादा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।